गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो टेक्स्ट बुक के सब कंप्लीट हो गया है, अब एक्स्ट्रा सब लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट वन इज कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ 0.3x + 0.4y = 2.5, 0.5x - 0.3y = 0.3। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूं, इसमें क्या है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू, तो बड़ा इक्वल टू है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी दिया है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लाना है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ पे क्या 0.3x, 0.3x, तो 0.3x सिंपली फॉर्म क्या बड़ा 3x बाय 10 प्लस 4y बाय 10 इक्वल टू 25 बाय 10, 10 10 है बेटा, तो 3x प्लस 4y डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 25 बाय 10। देखो डिवाइड बेटा यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं कट हो जाएगा, देख ले 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कि पॉइंट में था 3 बाय x, 3x अपॉन 10, 0.4 में था 4y अपॉन 10 इक्वल 25 बाय 10। तो देखो अपॉन में क्या सेम है, 3x प्लस 4y अपॉन 10 इक्वल 25 बाय 10, 3x प्लस 4y इक्वल 25, 10 10 कट हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। क्या करना है कंपेयर करना है उसको कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, 0.5x है तो 5x अपॉन 10 माइनस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 3 बाय 10, तो 5x 5x माइनस 3y अपॉन 10 10 इक्वल टू 3 बाय 10। जब बड़ा 10 इन डिवाइड्स में दिया है मतलब बड़ा 10 कर दो तो 5x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 3 ठीक है बड़ा इक्वल टू 3, तो क्या माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। क्लियर हो गया, तो उसको कंपेयर करेंगे क्या है बड़ा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे ठीक है। a1 इक्वल टू सेकंड इक्वेशन कौन सा हमारा के 5x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 नंबर 2 बड़ा x यहां पे y n1 x कितने का x को छुपा दो, जो x लिख रहा है उसकी सवा क्या दिखा देगा आपको 4 माइनस 3 यहां पे आएगा 4 माइनस 3 फिर माइनस 25 माइनस 25 एंड नाउ माइनस 3 x को छुपा दो 4 माइनस 3 फिर माइनस 25 माइनस 3। अब क्या करना है यहां पे और यहां पे लिखना है कि y की साइड और 1 की साइड, तो लास्ट वाले को छुपा दो तो क्या देगा 35 यहां पे आएगा 35 एंड नाउ 4 माइनस 3 ये क्लियर। अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x upon 4 minus 3 the 4 is 12 the minus 12 the 4 in bracket minus 3 formula minus 4 into minus 3 formula minus minus 3 minus 25 in bracket minus 3 and minus 25 equal to y upon minus 25 and 5 माइनस 25 एंड बाय फॉर्मूला माइनस माइनस 3 एंड 3 माइनस 3 एंड 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड माइनस 3 3 एंड माइनस 3 माइनस
3n minus 3, 5n4. So now in bracket 5n4 clear हो गया. क्या करेंगे बड़ा? 4 minus 3 minus 25 minus 3, 3 5, 4 n minus 3, 4 into minus 3 minus minus 3 minus 25 equal to minus 25 and 5. Formula minus minus 3 into 3. Second equal to 1 upon 3 into minus 3 minus 5 into 4. So now x upon 4 is 12 minus 12. माइनस फॉर में आगे माइनस साइन है बेटा, माइनस 25 थीटा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 75 के 25 थीटा माइनस माइनस देखो प्लस 25 75 75 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 75 4 थीटा 12 माइनस 12 इक्वल टू y अपॉन 25 पैसा माइनस 125 फॉर्मूला माइनस 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 क्या होगा? 3 माइनस 3 इनटू 3 माइनस 3 इनटू 3 माइनस 9 माइनस 9 तो माइनस प्लस 9 प्लस 9 इक्वल टू 1 अपॉन 3 से अपॉन माइनस प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 20 माइनस 20. सो नाउ x अपॉन माइनस 20 माइनस 75 7 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और बिगर साइन माइनस 5 प्लस 7 5 प्लस 2 7 1 प्लस 7 87 इक्वल टू y अपॉन 125 माइनस 9 125 माइनस 9 करो क्या आएगा बेटा? माइनस 125 कि 125 9 ठीक है 15 8 9 6 116 माइनस साइन 116 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 29. अब कंपेयर करना है कि नाउ x अपॉन माइनस 87 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 29 एंड y अपॉन माइनस 116 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 29. क्लियर? ये कंपैरिजन करना है बेटा, x को बदल दो y को बदल दो, x मिल जाएगा आपको और x को बदल दो y मिल जाएगा. सॉल्यूशन करना है, माइनस 87 है, x इक्वल टू माइनस 87 एंड माइनस 29 माइनस माइनस प्लस 87 अपॉन 29. तो 29 थीटा का तो 29 इनटू 3 राइट हो गया. 3 से बोलेगा 29 3 जा तो x equal to 3. now n minus 116 upon minus 29 minus 116 minus minus जा रहे हैं plus equal to 116 upon 29. तो 29 कौन सा? और पूछा 88 प्लस 3 11116 got 29 और जाए y equal to 4 which are solution x equal to 3 and y equal to 4. clear हो गया कि 0.3x plus 0.4y and 0.5x plus 0.3y कैसे solve करना है? फिर point में तो उसको simplify कर 3x by 10 plus 4y by 10 equal 25 by 10 एक शॉर्ट में 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपका काम इजी हो जाएगा. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म करने के बाद हो गया क्लियर? फर्स्ट क्लियर. तो नाउ नंबर 2,
and second equation is 7x minus 15y equal to 21. अभी वो x upon 3 plus y by 5 equal to 1 है, तो LCM देखो बड़ा 5x plus 3y upon 15 equal to 1, अब 15 मंजा 15, 5x plus 3y equal to 15 equal to 0, ने 5x plus 3y minus 15 equal to 0, 7x minus 15y 21 है. कंपेयर करो ना a1x plus b1y plus c1 equal to 0, now 7x minus 15y equal to 21 minus 21 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Is it clear? क्या क्या है LCM यहाँ 3x 3 5 3 5 का 3 and 5 का 3 5 का 15 या 5x plus 3y equal to 1. अब now x y and 1 x से बड़ा तो क्या लिखना है, किसका कोएफिशिएंट आएगा y, 3 and minus 15 minus 15 and minus 21, और यहाँ पे लिखना है दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों के बीच में between 5 and 7 and 3 and minus 15, दो ही पे मल्टीप्लाई, now x upon 3 and minus 21 formula minus, now minus 15 and minus 15 equal to y minus 15 and 7 formula minus, minus 21 and 5 equal to 5 and minus 15 minus 7 and 3, 3 minus 21 minus formula minus 15 minus 15 minus 15 into 7 minus minus 21 and 5 equal to 5 and minus 15, 7 3 is a, so now x upon 21 3 is a minus 63 formula minus 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 15 into 15 2 to 5 minus minus plus 2 to 5 equal to y upon 15 7 is a 15 into 7 minus 105, देखो ना minus minus क्या हो जाएगा plus 21 into 5 105 minus minus plus 105 equal to 1 upon 15 5 जा minus 15 5 जा 75 plus minus 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 7 3 जा 21. अब now x upon 2 to 5 63 2 to 5 and 60 minus minus plus 8 and 8 and 2 to 8 for minus minus and minus 2 to 8 and minus 2 to 8 288 equal to y upon minus 105 plus 105 is 0 equal to 1 upon minus minus plus 5 plus 1 6 7 plus 2 9 minus 196 minus 196. Now x upon minus 288 equal to y upon 0 equal to 1 upon minus 96. A comparison, x upon minus 288 equal to 1 upon minus 96 and y upon 0 equal to 1 upon minus 96 minus
minus 228 x equal to minus 288 upon minus 96 minus plus 96 these are 96 into 3 कर दे 3 6 18 plus 1 plus हो गया 96 3 जा 96 3 जा है x equal to 3 x equal to 3 और y divides by 0 0 into 1 तो क्या होगा 0 y equal to 0 divided by minus 96 0 divided by 96 तो क्या होता है 0 और 1 upon 0 तो undefined term यहाँ पे क्या होगा 0 divided by 96 क्या आएगा 0 y equal to मिल गया आपको solution and x equal to 3 and y equal to 0 is it clear हो गया LCM लिया 1 by 1 solve करते हैं हो गया clear बड़ा यहाँ पे y by 0 है तो 0 into 1 0 into 1 तो क्या होता है 0 0 divided by 96 तो y equal to 0 now number 3 next Okay, 2 in bracket 2x plus y 2 in bracket 2x plus y plus 5 plus 3 in bracket x minus 3y minus 1 equal to 0 and second equation is 2x comma minus 3y plus 1 equal to 0 Okay, 2 in bracket 2x plus y plus 5 plus 3 in bracket x minus 3y minus 1 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 तब बड़ा equation है ये whole equation one है only one equation है इसको simplify करना bracket open the bracket equation 2 equal to 0 standard form में दिया तो no problem इसको simplification करें बड़ा multiply करें 2 2 जा इसके साथ इसके साथ इसके साथ 2 2 जा 4x plus 2y plus 2 5s are 10 plus 3 into x 3x plus minus minus 3 3s are 3 3s are 9y plus minus minus 3 equal to 0 देखो बड़ा अपने like term 2x 4x plus 3x 7x अब 2y and minus 9y plus minus minus 2n minus 9 minus 7y minus 7y 10 plus 10, 10 minus 3 plus 7 equal to 0 अब क्या है एवर उड़ा 7x minus 7y plus 7 में आपको बोला सब में 7 common है तो क्या 7 से divide क्या हो जाएगा equation आपका x minus y plus 1 equal to 0 is equation 1 now equation 2 2x minus 3y plus 1 equal to 0 equation 2 clear first equation ऐसे equation दिया तो क्या करना पड़ेगा open the bracket simplify 7 7 common है x minus y plus 1 equal to 0 2x minus 3y plus 1 equal to 0 equation 1 and 2 है clear हो गया हमारी method है x equal to x यहाँ पे y और 1 यहाँ पे x y 1 है बड़ा x तो x को छुपा क्या है minus 1 minus 3 and 1 1 यहाँ पे minus 1 and minus 3 minus 1 minus 3 1 1 1 1 clear first को x को बड़ा लिखते coefficient तो y का coefficient constant term का लास्ट में अगर लास्ट वाले कौन छुपा तो क्या आएगा बड़ा ले 1 2 एंड माइनस 1 1 2 1 2 एंड माइनस 1 एंड माइनस 3 माइनस 1 एंड माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
Now x upon minus 1 into 1 minus 1 into 1 formula minus minus 3 into 1 minus 3 into 1 equal to y upon 1 into 2 1 into 2 formula minus 1 into 1 equal to 1 upon 1 into minus 3 formula minus 2 into minus 1 2 into minus 1 then now x upon plus 1 1 ja 1 minus sign plus minus 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 3 into 1 minus 3 when there minus sign minus minus plus 3 minus minus plus 3 equal to y upon 2 1 ja 2 minus 1 equal to 1 upon minus 3 2 into the minus minus plus 2 2 into plus 2 into 1 तो क्या आएगा 2 minus and the minus 2 minus minus plus 2 अब now x to minus 1 plus 3 2 equal to y upon 1 equal to 1 upon minus 3 plus 2 minus 1 is it clear a comparison x by 2 equal to y by 1 तो y equal to minus 1 अब compare कर दो x by 2 equal to minus 1 and y equal to minus 1 divide with x equal to 2 into minus 1 तो minus 2 x equal to minus 2 and y equal to minus 1 see clear हो गया बड़ा third number के ओपन द ब्रैकेट सिंपलीफाई सब ये थोड़ा डिफरेंट था टू इन ब्रैकेट ऐसे है तो बड़ा क्या करना है ओपन द ब्रैकेट कर देना और सिंपलीफिकेशन करना है क्लियर हो गया नंबर फोर्थ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू a प्लस b एंड सेकंड इक्वेशन इज x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू टू पर उसमें कंडीशन दिया है a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 and a not equal to b a condition difference of that x upon a plus y upon b equal to a plus b x upon a square plus y upon b square equal to 2 x upon a plus तो ये अच्छे में अपना b into x तो क्या लिया हमें bx अच्छे में लोग बढ़ा के b into x dx plus अच्छे में y a into y upon a b equal to a plus b अपने डिवाइड से मल्टीप्लाई bx plus ay equal to ab in bracket a plus b अब ऊपर तो ब्रैकेट देखे ना नहीं बड़ा तो ठीक है इक्वल टू जीरो bx plus ay minus ab in bracket a plus b equal to जीरो इज इक्वेशन वन b into x bx into y ay upon ab डिवाइड से क्या होता है इक्वेशन वन आ गया सेम टू सेम अपन इक्वेशन टू है द एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर इन टू एक्स बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर इन टू एक्स ए स्क्वायर इन टू वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो हो गया अब इसके साथ मल्टीप्लाई
बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब इक्वल टू बेटा तो माइनस साइन बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज नंबर टू हो गया क्लियर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब हमारा फॉर्म है बेटा हमारे पास टू इक्वेशन आ गए वन बाय हम सॉल्व करें एक बार लिख लेते हैं कि बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ये हमारा इक्वेशन वन है ठीक है और बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज नंबर टू एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था एक्स अपॉन सॉरी एक्स है बेटा तो एक्स को छुपा दो तो क्या क्या यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी होल बेटा कॉन्स्टेंट है पूरा ए बी इन ब्रैकेट एंड नाउ माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे वाई एक्स वाई एंड वन एक्स को छुपा दे ए इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड माइनस टू ए स्क्वायर बी लास्ट वाला टर्म को छुपा दो क्या है बी इनटू यहाँ पे बी इनटू बी बी एंड बी स्क्वायर लास्ट में क्या गया ए ए एंड ए स्क्वायर बी इन बी स्क्वायर अभी को छुपा दो क्या ए इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर नाउ बी इनटू बी स्क्वायर लास्ट वाले को छुपा दो बेटा बी बी स्क्वायर एंड ए ए स्क्वायर क्लियर हो गया एक्स वाई एक्स वाई एंड वन एंड नाउ एक्स डिवाइड्स बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई ठीक है बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई स्मॉल ए इनटू माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला माइनस यहाँ पे क्या है बेटा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू वाई अपॉन देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई अब माइनस ए बी मल्टीप्लाई बेटा तो क्या आएगा माइनस ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी बी ब्रैकेट इंटू बी स्क्वायर फॉर्मूला माइनस अब बी इन ब्रैकेट माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन बी इक्वल टू वन अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर इंटू ए क्लियर हो गया क्या बेटा ए इंटू माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी वाई माइनस ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी बी स्क्वायर माइनस ए ब्रैकेट बी माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू b into a square minus b square into a अब ओपन करके थोड़ा सिंपलीफिकेशन कर दो x upon देखो लाइक टर्म में बेटा प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 a into a square तो क्या आएगा 2 a cube b square 2 a cube a into a square a cube अब माइनस है माइनस क्या हो गया प्लस अब ए स्क्वायर और ए बी ए स्क्वायर और ए ये क्या आएगा ए क्यूब बी पर इन ब्रैकेट पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर इनटू ए ले माइनस माइनस क्या आएगा प्लस ए क्यूब बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी ए स्क्वायर इनटू ए ले ए क्यूब बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू
y upon b square then minus b square into b, the b square into b is b cube, then a b cube in bracket a plus b minus minus plus b into, so now 2 a square b cube, 2 a square b cube equal to 1 upon a square into b, a square b minus a b square. Is it clear? देखो प्लस माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर इनटू ए ए क्यूब इन ब्रैकेट ए प्लस बी बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी इनटू बी स्क्वायर बी क्यूब इन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस माइनस प्लस टू ए स्क्वायर बी क्यूब इक्वल टू अब नाउ मल्टीप्लिकेशन करो बड़ा ओपन द ब्रैकेट नाउ एक्स अपॉन a minus 2a cube b square plus a cube b or a, a for b, a cube b into a, a for b plus a raised to 4, and a cube b plus b, a cube b square. So here, a cube b plus a, a for b plus a cube b square equal to y upon minus plus minus a square b cube minus plus minus a b 4 plus 2 a square b cube equal to 1 upon a square b minus a b square. Clear हो गया? अब देखो बड़ा लाइक क्या हो गया आपके कि a क्यूब b स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर एंड a क्यूब मतलब 1 माइनस 2 तो माइनस 1 देख यहां देखो कि 2 a स्क्वायर b क्यूब और 2 a स्क्वायर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 तो 1 तो नाउ x अपॉन प्लस से बड़ा a रेस टू 4 b माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स तो माइनस टू एक माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस आएगा ए क्यूब बी स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन अब टू एंड वन देखो ए स्क्वायर बी क्यूब एंड ए स्क्वायर बी क्यूब लाइक टू माइनस वन तो वन ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए बी फोर ए रेस टू फोर अपॉन वन अपॉन ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर अब कॉमन निकालो x upon a raised to 4b दोनों में common है a raised to 4b and a cube b square and a cube b common and now x upon a cube b common in bracket a minus b equal to y upon a square b cube and a b raised to 4 like a common क्या होगा देखो ठीक है बेटा a square the b cube or b 4 a इसमें common क्या होगा a b cube the a square और a b a common और b cube b raised to 4 में b cube common then bracket a minus b a square and a b cube common is remaining of a minus b equal to 1 upon a square b or minus a b में a b common in bracket a minus b अब compare कर दो तो x upon
a cube in bracket a minus b equal to 1 upon a b in bracket a minus b and y y upon a b cube in bracket a minus b equal to 1 upon a b in bracket a minus b divide se bada yahan pe ye multiply x equal to a cube b in bracket a minus b upon a b in bracket a minus b a minus b minus b b b cut equal to x equal to a cube or a तो x equal to क्या है आंसर a square सॉल्यूशन फिर क्या आपको x equal to a square क्लियर सेम टू सेम यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा आपको पता चल जाए y equal to a b cube in bracket a minus b upon a b in bracket a minus b minus b minus b a cut y equal to b cube upon b y equal to b square clear हो गया ठीक है एक बार फिर से वीडियो रिवाइज करना सिंपलीफाई कैसे किया देख लो सॉल्यूशन क्या मिला आपको x equal to a square and y equal to b square